जय हिंद डियर स्टूडेंट्स ऑफ क्लास 12 ज्योग्राफी ऑक्सफोर्ड। यस्टरडे आई हैव शोन यू द मैप, टू मैप्स, वन रिलेटेड टू भरमौर ऑफ हिमाचल प्रदेश एंड सेकंड द मैप ऑफ इंदिरा गांधी कैनाल एरिया। टुडे आई एम गोइंग टू डिस्कस इंदिरा गांधी कैनाल और नहर कमांड एरिया। इट इज अ केस स्टडी, सेकंड केस स्टडी ऑफ दिस लेसन एंड वेरी यूजफुल फॉर दिस ईयर एग्जामिनेशन बोर्ड। So I'm going to start today that Indira Gandhi Canal, previously known as the Rajasthan Canal, is one of the largest as well as longest also canal systems in India, conceived by Kamar Sen in 1948. The canal project was launched on 31st March 1958. The canal originates at, according to map, suppose map will be given there in paper and it will be asked where from the canal is originating. So the canal originates at Harike Barrage in Punjab and runs parallel to Pakistan border at the average distance of 40 km in Thar, entire Marusthali, that is desert area in Rajasthan. The total planned length of the system is 9060 km, catering to irrigation needs to a total cultivable or cultivable command area of 19.63 लाख हेक्टेयर्स। एक बहुत बड़े एरिया में सिंचाई के प्लान के साथ इसको बनाया गया, लगभग 20 लाख हेक्टेयर जमीन की सिंचाई के लिए। आउट ऑफ टोटल कमांड एरिया अबाउट 70% वाज एनविसेज्ड टू बी इरिगेटेड बाय फ्लो सिस्टम, और इसे से तैयार किया गया कि लगभग 70% जमीन फ्लो सिस्टम यानी पानी के फ्लो के साथ इरिगेट हो जाए बाई द फ्लो सिस्टम एंड द रेस्ट बाई लिफ्ट सिस्टम। और जहां जमीन ज्यादा उठी हुई है वहां पे लिफ्टर लगा के पानी को ऊपर उठा के कैनाल के थ्रू पहुंचाना। द कंस्ट्रक्शन वर्क ऑफ द कैनाल सिस्टम हैज बीन कैरीड आउट थ्रू टू स्टेजेस। द कमांड एरिया ऑफ स्टेज वन लाइज इन गंगानगर, हनुमानगढ़ एंड नॉर्दर्न पार्ट ऑफ बीकानेर डिस्ट्रिक्ट ऑफ राजस्थान। इसका जो पहला स्टेज था वो गंगानगर, हनुमानगढ़ और नॉर्दर्न पार्ट ऑफ बीकानेर डिस्ट्रिक्ट राजस्थान में था। इट हैज जेंटली ऑनड्यूलेटिंग टोपोग्राफी, और यहाँ जो टोपोग्राफी क्या है, जेंटली ऑनड्यूलेटिंग, असमान है लेकिन बहुत जेंटल, उबड़ खाबड़ नहीं है बहुत ज्यादा लेकिन असमान है, स्लोप्स थोड़े थोड़े हैं, इसीलिए इसको बोलते हैं जेंटली ऑनड्यूलेटिंग टोपोग्राफी। एंड इट्स कल्चरेबल कमांड एरिया इज 5.53 लाख हेक्टेयर, और लगभग 5.5 लाख हेक्टेयर जमीन की सिंचाई की सुविधा इससे होती। द कमांड एरिया ऑफ सेकेंड स्टेज इज स्प्रेड ओवर बीकानेर, जैसलमेर, बाड़मेर, जोधपुर, नागौर एंड चूरू डिस्ट्रिक्ट, कवरिंग कल्चरेबल कमांड एरिया ऑफ 14.10 लाख हेक्टेयर। और दूसरे स्टेज का जो प्लान है इसमें बहुत ज्यादा, लगभग 14.1 लाख हेक्टेयर जमीन की सिंचाई की सुविधा हो इसमें, सेकेंड स्टेज इसके लिए तैयार किया गया, और खास करके ज्यादा एरिड एरिया जिसमें है बीकानेर, जैसलमेर, बाड़मेर, जोधपुर, नागौर, चूरू एटसेट्रा। इट कॉम्प्राइजेस डेजर्ट लैंड डॉटेड विथ शिफ्टिंग सैंड्यूस, और इस एरिया में सैंड्यूस मिलते हैं, दे आर वेरी कॉमन एंड दीज आर शिफ्टिंग। Sandunes are not stabilized everywhere. With the wind, they are moving from one to another place where wind is carrying out. एक जगह से wind उड़ा के इसको ले जाती है, flown off and dumping somewhere else. So these are shifting sand dunes. And temperature soaring rise up to 50 degrees Celsius. Temperature in summer, you can imagine. In the lift canal, the water is lifted up to the make it flow against the slope of the land. और जहाँ पे लिफ्ट सिस्टम बनाया गया वहां पे पानी को उतने लेवल तक चढ़ाना पड़ता है जहां से वो फ्लो करके फिर खेतों की तरफ चला जाए। ऑल द लिफ्ट कैनाल्स ऑफ इंदिरा गांधी कैनाल सिस्टम ओरिजिनेट एट द लेफ्ट बैंक ऑफ द मेन कैनाल। जितने भी लिफ्ट कैनाल हैं वो लेफ्ट बैंक में, बाएं तरफ, लेफ्ट बैंक माने बाएं तरफ, व्हाइल ऑल द कैनाल ऑन द राइट बैंक ऑन द मेन कैनाल आर फ्लो कैनाल। जितने भी राइट बैंक में है यानी अगर कैनाल बह रही है पूरब से पश्चिम की तरफ जा रही है तो आप पश्चिम की तरफ मुंह करके खड़े हो जाओ और ध्यान से देखो, जो आपके राइट की तरफ है उधर जितने भी है फ्लो चैनल है, फ्लो कैनाल है, और जो लेफ्ट में है लिफ्ट के, तो लेफ्ट बैंक और राइट बैंक बोलते हैं हम लोग।
पानी की दिशा के अनुसार। जैसे गंगा उत्तर से दक्षिण जा रही है तो दक्षिण की तरफ मुंह करके खड़े हो जाएंगे तो दाहिना हमारा जो होगा उधर से जो नदी आके मिलेगी उसको बोलेंगे राइट बैंक, और जो बाएं से आके मिलेगी बोलेंगे लेफ्ट बैंक। सो लाइकवाइज, सो गिवन हियर ऑल द लिफ्ट कैनाल्स ऑफ इंदिरा गांधी कैनाल सिस्टम ओरिजिनेट एट लेफ्ट बैंक ऑफ मेन कैनाल व्हाइल ऑल द कैनाल्स ऑन द राइट बैंक ऑफ द मेन चैनल और कैनाल आर द फ्लो चैनल्स। इरिगेशन इन स्टेज वन कमांड एरिया of canal was introduced in early 1960s, whereas the command area of second stage began receiving irrigation in mid-1980s. लगभग 20 सालों का वक्त लगा दूसरे स्टेज को शुरू करने में। The introduction of canal irrigation in this dry land has transformed the ecology. No doubt, earlier it was a dry, semi-arid area, but after the availability of water, the region has greened a lot. Agricultural pattern has been changed completely. Economy and society already have changed. It has influenced the environmental condition of the region both positively as well as negatively. Just listen it very carefully. The construction of Indira Gandhi Canal had influenced the society, the economy, the ecology of that region, no doubt, but both positively as well as negatively. The availability of soil moisture for a longer period of time. Canal ke through lagatar pani mil raha hai. So the availability of soil moisture for a longer period of time and various afforestation and pasture development program under CAD, Command Area Development Program CAD, have resulted in greening the land. Bahut achhi baat hui. पानी की उपलब्धता बढ़ी, मॉइस्चर बढ़ा, इसके वजह से बहुत सारे एरिया ग्रीन किए गए, पेड़ लगाए गए, हरे भरे बनाए गए। This has also helped in reducing wind erosion. Wind से जो इरोजन हो रहा था उसका भी रुकआउट हो गया। जगह जगह सेंटर बेल्ट बनाए गए, पेड़ उगाए गए, विंड इरोजन कम किया गया। Soil siltation and canal system. But the intense irrigation and excessive use of water has led to emergence of twin environmental problems of water logging and soil salinity. लेकिन इतने सारे पॉजिटिव इंपैक्ट के बावजूद भी कुछ नेगेटिव इंपैक्ट, खास करके ट्विन इन्वायरमेंटल प्रॉब्लम। याद रखना वर्ड ट्विन इन्वायरमेंटल प्रॉब्लम। पहला क्या था? वाटर लॉगिंग। ज्यादा समय वाटर लॉगिंग होने से सैलिनिटी ऑफ सॉइल बढ़ता है, और दूसरा इसी की वजह से सॉइल की सैलिनिटी बढ़ने की वजह से फर्टिलिटी भी कम हो जाती है। इंट्रोडक्शन ऑफ कैनाल इरीगेशन हैज ब्रॉट अबाउट परसेप्टेबल ट्रांसफॉर्मेशन इन द एग्रीकल्चरल इकोनॉमी ऑफ द रीजन। परसेप्टेबल, वी कैन सी इट। बहुत सारे चेंजेस एग्रीकल्चर में इस रीजन में आए बिकॉज ऑफ द अवेलेबिलिटी ऑफ वाटर। सॉइल मॉइस्चर हैज बीन अ लिमिटिंग फैक्टर इन सक्सेसफुल ग्रोइंग ऑफ क्रॉप्स इन दिस एरिया इन पास्ट। ओनली सम मिलेट्स लाइक ज्वार बाजरा वेयर ग्रोन इन पास्ट, बट स्प्रेड ऑफ कैनाल इरीगेशन हैज लेड इंक्रीज इन कल्टिवेटेड एरिया एंड इंटेंसिटी ऑफ क्रॉपिंग ऑल्सो। लेकिन जब कैनाल से पानी मिलने लगा तो न कि कल्टिवेटेड एरिया बढ़ा बल्कि कल्टिवेटिंग इंटेंसिटी, जिसको हम लोग बोलते हैं इंटेंसिटी ऑफ क्रॉपिंग। साल में जहां एक बार खेती होती थी, दो बार तीन बार खेती होने लगी। द ट्रेडिशनल क्रॉप सोन इन द एरिया वेयर ग्राम, जो ट्रेडिशनली वहां पे लोग बोया करते थे, ग्राम चना आज भी बहुत होता है, बाजरा ज्वार ये सब हुआ करता था, नाउ दे हैव बीन रिप्लेस्ड बाय व्हीट। अब वहां लोग क्या लगाने लगे? व्हीट, कॉटन, ग्राउंडनट एंड एज राइस। आपको मालूम है इस एरिया का जो फिजियोग्राफिक सेटिंग है, इकोलॉजी है, जो वहां की राइस कल्टीवेशन को परमिट नहीं करती है क्योंकि रेनफॉल बहुत नेचुरली कम है वहां पे। लेकिन कैनाल इरिगेशन के दम पे वह राइस कल्टीवेशन होने लगे। जो वाटर रेजिस्टेंट क्रॉप है उसके बदले वाटर ज्यादा यूज करने वाले क्रॉप की पैदावार होनी शुरू हो गई, जैसे राइस। This is a result of intensive irrigation. This intensive irrigation, no doubt, initially has led tremendous increase in agricultural and livestock productivity. शुरुआत में तो इससे बहुत सारे agricultural production बढ़ा, जानवरों का पालन भी बढ़ा। This has also caused water logging and soil salinity also, and thus, in long run,
इट हैम्पर्स द सस्टेनेबिलिटी ऑफ एग्रीकल्चर, लेकिन एक लंबे समय में अब जाके एग्रीकल्चरल प्रोडक्शन जो बहुत तेजी से बढ़ा था वो स्टेगनेंट हो गया है, और हो सके अगर इसी तरह से लोग खेती करते रहे तो वहां के सॉइल की प्रोडक्टिविटी भी खत्म हो जाएगी और एग्रीकल्चर की जो सस्टेनेबिलिटी है वो भी खत्म हो जाएगी। सो व्हाट आर द मेजर्स वी नीड टू ऑब्टेन टू कंट्रोल ऑल दीज प्रॉब्लम्स? सो गिवन मेजर्स फॉर प्रमोशन ऑफ सस्टेनेबल डेवलपमेंट, कौन कौन से मेजर्स हम लोग मेजर्स माने उपाय करें ताकि यहाँ सस्टेनेबल डेवलपमेंट हो। द इकोलॉजिकल सस्टेनेबिलिटी ऑफ इंदिरा गांधी कैनाल प्रोजेक्ट हैज बीन questioned by various scholars, no doubt I am questioning myself. If it is not possible to grow rice there, why people are growing rice? Their point of view has also largely been validated by course of development of this region has been during the last four decades, which has resulted in degradation of physical environment. It is a hard fact that attaining sustainable development in the command area requires major thrust upon measures to achieve ecological sustainability. Hence, 5 of 7 measures proposed to promote sustainable development in this command area are meant to restore ecological balance. 7 में से कम 5 उपायों को लोगों को अपनाना पड़ेगा ताकि यहाँ का sustainability बना रहे। पहला, the first requirement is strict implementation of water management policy. वाटर मैनेजमेंट पॉलिसी को स्ट्रिक्टली फॉलो करना पड़ेगा। द कैनाल प्रोजेक्ट इन विसेजेस प्रोटेक्टिव इरिगेशन इन स्टेज 1 एंड एक्सटेंसिव इरिगेशन ऑफ क्रॉप्स एंड पास्चर डेवलपमेंट इन स्टेज 2। पहले जो स्टेज में इरिगेशन का पर्पस था प्रोटेक्टिव, यानी फसलों को बचाने के लिए इरिगेशन मिल जाए, लेकिन सेकेंड स्टेज में इसका प्लान चेंज हो गया, यहाँ अधिक से अधिक पैदावार करने के लिए इंटेंसिव क्रॉपिंग होने लगी, तो उसको रोकना होगा, वाटर मैनेजमेंट करना बहुत जरूरी है। दूसरा, इन जनरल द क्रॉपिंग पैटर्न शैल नॉट इंक्लूड वाटर इंटेंसिव क्रॉप लाइक द राइस, इट शैल बी एडहेर्ड टू पीपल शैल बी इनकरेज टू ग्रो प्लांटेशन क्रॉप सच एज सिट्रस फ्रूट्स, लोगों को धान की जगह गेहूं की जगह सिट्रस फ्रूट्स जैसे इसराइल में सिट्रस फ्रूट्स वगैरह ग्रो करना चाहिए, जिससे उनको फायदा भी अच्छा मिलेगा और वहां की इकोलॉजी भी बेटर होगी। थर्ड, द कैड द कमांड एरिया डेवलपमेंट प्रोग्राम सच एज लाइनिंग ऑफ वाटर कोर्सेज लैंड डेवलपमेंट एंड लेवलिंग एंड वाड़ाबंदी लोग बोलते हैं जिसको फेंसिंग करना, वाड़ाबंदी सिस्टम इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ कैनाल वाटर इन द कमांड एरिया ऑफ आउटलेट शैल बी इफेक्टिवली इंप्लीमेंटेड टू रिड्यूस द एब्रियंस ऑफ लॉस ऑफ वाटर, वाटर के लॉस को भी रोकना होगा। फिर फोर्थ उपाय क्या करेंगे, द एरियाज अफेक्टेड बाय वाटर लॉगिंग एंड सॉइल सैलिनिटी शैल बी रिक्लेम्ड, जहां पे पानी जमा हो चुका है वाटर लॉगिंग हो चुकी है और जिस सॉइल में सैलिनिटी बढ़ गया है उसमें जिप्सम वगैरह एड करके उसको फिर से ठीक करना। पांचवा उपाय, द इको डेवलपमेंट थ्रू एफोरेस्टेशन, अधिक से अधिक पेड़ लगाए, सेंटर बेल्ट प्लांटेशन टू स्टॉप सैंड ड्यून्स टू मूव फॉरवर्ड फर्दर, सेंटर बेल्ट लगाना पेड़ों के, व्हाट आर सेंटर बेल्ट्स, द रोज ऑफ ट्रीज एंड श्रब्स टू चेक द वेलोसिटी ऑफ विंड, बिकॉज इफ द विंड वेलोसिटी विल बी चेक्ड व्हाट विल हैपन, सैंड ड्यून विल नॉट मूव फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर प्लेस, शिफ्टिंग ऑफ सैंड ड्यून्स विल बी रिड्यूस्ड और डेजर्टिफिकेशन भी रुक जाएगा। Pasture development is necessary, particularly in the fragile environment of stage 2. Pasture development bhi bahut zaruri hai. 6. The social sustainability in the region can be achieved only if the land allottees having poor economic background are provided adequate financial and institutional support for cultivation of land. Aur gareeb logon ko institutional financial support ki zarurat hai taki wo bhi apni kheti acche se kar paye. And the last, the economic sustainability in the region can be attained only through development of agriculture and animal husbandry. वहाँ का खास करके agriculture को, जो कि वहाँ के eco-friendly agriculture की बात कर रहे हैं, ग्राम लगाएं, citrus fruit लगाएं, ज्वार बाजरा की खेती करें, animal husbandry करें, livestock rearing करना जिसको बोलते हैं, खास करके भेड़ बकरियों का पालन करें जिसको पानी की जरूरत कम पड़ती है। The agricultural and elite activities have to develop along with other sectors of economy too. दूसरी economic activity भी develop किया जाए, no doubt that is needed. लेकिन साथ ही साथ
एग्रीकल्चर और उससे रिलेटेड एलीड एक्टिविटीज को भी बढ़ाया जाए. दिस शैल लीड टू डाइवर्सिफिकेशन ऑफ इकोनॉमिक बेस एंड एस्टेब्लिशमेंट ऑफ फंक्शनल लिंकेज बिटवीन बेसिक विलेजेस, एग्रो सर्विसेज सेंटर्स एंड मार्केट सेंटर्स. और इससे फंक्शनल लिंकेज बनेगा किसके बीच में, गांव के बीच में, एग्रो सर्विस सेंटर्स के बीच में और मार्केट के बीच में. इस तरह से हम सस्टेनेबल डेवलपमेंट को अचीव कर सकते हैं. सो दीज आर द सेवन मेजर्स गिवन टू यू. यू मस्ट प्रिपेयर ऑल दिस वेल बिकॉज दिस ईयर आई एम वेरी होपफुल दैट दिस विल कम इन बोर्ड एग्जामिनेशन. सो प्रिपेयर द लेसन वेल. लेसन इज फिनिश्ड. डू द एक्सरसाइजेस of the NCERT yourself. You will find all the answers in the text. I hope you have enjoyed the class today. Thank you. Have a nice day.